नमस्कार दोस्तों, तो पोको M4 Pro फाइनली इंडिया पे तो लॉन्च हो चुका है और इसके साथ मैंने ऑलरेडी Vivo T1 5G का कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, आई बटन में आप देख सकते हैं और उसमें गिवअवे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये जो पोको M4 Pro जो लॉन्च हुआ है जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 15,000 रुपये और एग्जैक्टली उस प्राइस पॉइंट में मोटरोला की तरफ से अवेलेबल है मोटरोला G51 जो कि बहुत ही बढ़िया 5G स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको कौन सा लेना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये जो कंपैरिजन वीडियो इस साल का सबसे मुश्किल कंपैरिजन वीडियो है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का बरा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजुअल चैनल पर नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो पोको M4 Pro आपको टोटल 3 कलर में देखने को मिलेगा जो कि येलो, ब्लू और ब्लैक। और अगर हम मोटो के बारे में बात करें उसमें आपको ब्लू और सिल्वर ये टोटल दोनों कलर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर आपको देखने को मिलेगा। और इधर अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो मुझे इधर पोको M4 Pro का जो पीछे का बैक कवर वो मुझे काफी बढ़िया लगा कंपेयर टू मोटोरोला G51। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के डायमेंशन के बारे में। पोको का थिकनेस 8.8 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम, लेकिन मोटो का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 208 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस पॉइंट में सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी ये जो मोटोरोला G51 इसका जो थिकनेस और वेट वो थोड़ा सा ज्यादा है पोको के मुकाबले। तो मतलब मोटो का जो इन हैंड फील वो स्लाइटली कम होगा कंपेयर टू पोको। तो नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले की अगर बात करें तो पोको पे आपको मिलेगा 6.8 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, मोटो पे आपको मिलेगा 6.8 इंच फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले। दोनों पे आपको ऑलमोस्ट 89% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। मोटो पे आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पोको पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम दोनों के डिस्प्ले के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, दोनों पे आपको 450 निट्स के आसपास मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो मतलब इधर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में जो मोटो वो स्लाइटली बेटर है क्योंकि इसमें आपको बिगर डिस्प्ले और बेटर क्वालिटी रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के CPU के बारे में। तो पोको पे आपको मिलेगा Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मोटो पे आपको मिलेगा Snapdragon 480 प्लस प्रोसेसर, ये एक्चुअली 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। अब देखिए आपको सर लगेगा कि ये जो मोटोरोला इसमें आपको मिल रहा है Snapdragon 480 प्लस तो मतलब बहुत ही वीक प्रोसेसर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इसका जो Antutu स्कोर आप देख सकते हैं कि पोको का Antutu स्कोर है 4,73,000 के आसपास और मोटोरोला का Antutu स्कोर है 3,43,000 के आसपास। इस मामले में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो Antutu स्कोर है बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैं हमेशा CPU कंपैरिजन वीडियो बनाता हूं। तो मैंने ये चीज देखा है कि ये जो दोनों प्रोसेसर दोनों का जो CPU पार्ट वो है ऑलमोस्ट सेम, लेकिन अगर हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें उस मामले में जो Snapdragon 480 प्लस का GPU वो डेफिनेटली बेटर है Dimensity 810 के मुकाबले। अब हो सकता है कि किसी वजह से जो Dimensity 810 उसका Antutu स्कोर ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल CPU कैपेबिलिटी डेफिनेटली Snapdragon 480 प्लस में बेटर है। तो मतलब इस मामले में जो मोटरोला G51 वो डेफिनेटली बेटर है पोको M4 Pro के मुकाबले। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। पोको पे आपको मिलेगा 50 और 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मोटो पे आपको मिलेगा 50, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो इधर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा सेटअप वो तो है ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जो फ्रंट कैमरा उस मामले में जो पोको वो स्लाइटली बेटर है। तो इसके बाद अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, पोको का स्मार्टफोन टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 4 64GB, 6 120GB और 8 120GB, टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो मोटोरोला G51 ये आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा जो कि है 4 64GB। पोको और मोटो दोनों पे आपको 1+1 कार्ड स्लॉट मिलेगा, इसका मतलब हम आइदर 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और 1 SD कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अगर दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो इधर दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम देखने को मिलेगा। पोको भी आपको मिलेगा UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज, लेकिन मोटोरोला G51 भी आपको मिलेगा
UMCP क्वालिटी का स्टोरेज। अब ये UMCP क्वालिटी का स्टोरेज ये एक्चुअली UFS 2.1 और UFS 2.2 का बीच का स्टोरेज है। तो मतलब ओवरऑल रैम और स्टोरेज क्वालिटी के मामले में जो पोको M4 Pro बस लाइटली बेटर है कम्पेयर टू मोटरोला। और नेक्स्ट अगर हम दोनों के ऑडियो की अगर बात करें, पोको पे आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, मोटरोला पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर। तो मतलब ऑडियो डिपार्टमेंट में जो पोको वो है डेफिनेटली विनर। और अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, इधर तो दोनों ही स्मार्टफोन में 5000mAh बैटरी मिलेगा। पोको पे आपको मिलेगा 33W का चार्जर, मोटो पे आपको मिलेगा 20W का चार्जर। और दोनों का जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB टाइप सी। तो इसका मतलब ओवरऑल बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन में ये जो पोको M4 Pro वो है डेफिनेटली विनर। और नेक्स्ट अगर हम दोनों के पोर्ट्स की अगर बात करें, इधर तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक मिलेगा। दोनों पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और नेक्स्ट अगर हम दोनों के OS की अगर बात करें, तो दोनों पे आपको करंटली एंड्रॉयड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। पोको पे आपको मिलेगा MIUI वर्शन 12.5 और मोटरोला पे आपको मिलेगा स्टॉक UI। तो इसका मतलब मोटरोला एक्चुअली प्राइस रेंज का एक लौता ऐसा 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन है 5G, तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पे कितने 5G बैंड्स है। तो ये जो पोको M4 Pro उसमें आपको टोटल 4 अलग अलग 5G बैंड मिलेगा, लेकिन मोटरोला G51 में आपको टोटल 12 अलग अलग 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो मतलब आप इस स्मार्टफोन को इंटरनेशनल मार्केट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और फाइनली अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, पोको M4 Pro का 4GB का प्राइस है 15,000, 6GB का प्राइस है 17,000 और 8GB का प्राइस है 19,000 रुपये। और जो मोटरोला G51 उसका 4GB का प्राइस है एग्जैक्टली 15,000 रुपये। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो मैं इस जगह पे आपको एक सिंगल चार्ट में दिखाऊंगा कि इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में एग्जैक्टली कौन सा विनर है। तो जैसे कि भी इसमें देख सकते, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में इस मोटरोला M4 Pro के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, स्लाइडली बेटर क्वालिटी फ्रंट सेल्फी, बेटर क्वालिटी इंटरनल स्टोरेज, डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन और फास्टर चार्जर। तो मतलब आप ही टोटल 5 एडवांटेज देखने को मिलेगा कंपेयर टू मोटरोला G51। लेकिन उसी जगह पे अगर आप मोटरोला G51 को देखेंगे तो आपको मिलेगा बिगर क्वालिटी डिस्प्ले, 120Hz डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी CPU, 12 अलग अलग 5G बैंड मिलेगा और स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए इस जगह पे इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा विनर है ये तो बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके डिसीजन को आसान करने के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आप इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कोई एक ऐसा स्मार्टफोन चूज करना चाहते जिसे लेकर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे या फिर जिसमें सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको चूज करना चाहिए मोटरोला G51। या फिर अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहते जो कि मूवी वगैरह देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए सबसे बढ़िया होगा, तो उस मामले में मोटरोला G51 सबसे बढ़िया होगा क्योंकि इसका जो प्रोसेसर सबसे बेटर है और जो डिस्प्ले साइज वो भी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसी जगह पे पोको M4 Pro का स्पेशलिटी है कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर और सबसे बेटर क्वालिटी सेल्फी कैमरा मिलेगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 15,000 रुपए के अंदर एक लौता ऐसा 5G स्मार्टफोन जिसका सेल्फी कैमरा सबसे बढ़िया है। तो इस जगह पे मैंने तो अपना खुद का ओपिनियन दे दिया है। अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपका बजट है 15,000 और अगर आप सोच रहे पोको M4 Pro या फिर मोटरोला G51 लेंगे तो आप किसे चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।